मेरा नाम सुधांग सिंह है और मैं फोर्थ फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ ABSCC से, IT ब्रांच से। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा ध्यान गया वो सेल्फ और बॉडी पे गया। एक दिन ऐसे ही इवनिंग वर्कशॉप के बाद मैं आ रहा था, तो मेरा ये था कि मतलब मुझे सुबह उठना है, मेरे दिमाग में कि मुझे सुबह उठना है या बॉडी को सुबह उठना है, किसको सुबह उठना है, अब ये सब अपने से ही मेरा कॉन्वर्सेशन चालू हो गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है सुबह मुझे उठना है, मेरी बॉडी को हेल्दी रखना है। 4 बजे मैं उठ गया, उठ के बैठ गया, मैं कहा अब मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है, किसको करना है। तो मैंने कहा कि सेल्फ पता है कि करना है तो बॉडी क्यों नहीं जाएगी साथ में। तो मैं बस अपने बॉडी को आराम से ले लिया, फिर मेरी हैबिट बन गई सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने की। फिर ऐसे डाइट पे भी मेरा ध्यान गया कि अपनी जब बॉडी मेरी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका मैं यूटिलाइजेशन तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं पेन कॉपी पेपर, तो मेरे अंदर से ये डिस्ट्रीब्यूशन साफ साफ होने लगा कि मैं अलग हूँ और बॉडी अलग है और मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका मैं जैसे चाहे यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ इसकी फंक्शनैलिटी को समझ। जैसे तो ये चीज़ क्लैरिटी मिली, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे अंदर से ख़त्म हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। और उसका फीडबैक मुझे घर से मिला, जब छुट्टी में मैं घर गया तो मम्मी पापा कह रहे हैं कि मतलब अचानक से इतना चेंज कैसे आ गया, तो हाल में मतलब क्या हुआ, वो तो इंटरेस्ट लेने लग गए। मेरी तो जर्नी काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो मतलब बहुत मज़ा आता है इससे चीज़ों में, क्योंकि आप खुद को गवर्न कर पा रहे हैं, बाहर से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इससे ज़्यादा मतलब और क्या चाहिए आपको। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है, आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, आउटकम कुछ भी हो सकता है, वो तो सिचुएशन डिपेंडेंट है, लेकिन आपके अंदर रिग्रेट नहीं रहेगा उस चीज़ का। आप अपने अपना बेस्ट दिया और आपने अपने इंस्ट्रूमेंट का बेटर से बेटर तरीके से यूटिलाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मेरी इतनी जर्नी रही और आगे भी चलती रहेगी। थैंक यू।